अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो तो बिजनेस को इस तरीके से देखो। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है, अभी तो बस सफर शुरू किया है, मुझे तो बहुत आगे तक चलना है। हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी। तो चलिए एक छोटा सा सफर करके एक कहानी बनाते हैं और उस कहानी को अपने तरीके से आपको दिखाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि हर एक सफर का एक छोटा सा कहानी जरूर होता है। तो आज का कहानी है और मेरा साथ मेरा सिस्टर जा रहा है और हम लोग कहाँ जाएंगे उसको एक स्टोरी के तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉर्ज चरण व्लॉग्स। अगर आपको मेरा वीडियोस देख के अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड पे जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियोस देख के ज़्यादा अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले पेट्रोल फ्यूलिंग कर लेंगे और सिस्टर ही मेरा बाइक चला रहा है, आप लोग देख सकते हो। और बहुत सारा बातें आप लोगों से करना है आज और बहुत अच्छा अच्छा जगह भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले फ्यूलिंग करा लेंगे और उसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। तो फ्यूलिंग हो गया कंप्लीट और उसके बाद अभी हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। तो रास्ते में जो जो भी दिखेगा आप लोगों को सब बताएंगे, क्योंकि ज़िंदगी जो होता है क्या बताओ, आप लोग बस देखते जाइए और हम आपको बताते जाएंगे हमारा स्टोरी, इस सफर का कहानी। हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? डगमगा का एक अच्छा सा वाटरफॉल है जहाँ पे हम लोगों को जॉर्ज भैया का दोस्त लोग वेट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग को जगह नहीं पता, वो लोग ही हम लोग को लेके जाएंगे। और अभी हम लोग पहुँच गए वेस्ट कार्बियांगलोंग, आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग पहुँच गए तुमप्रेंग में। सो आप लोग देख सकते हो वेलकम टू वेस्ट कार्बियांगलोंग। आकृति का मतलब आज का वीडियोस बनाने का मोटिव क्या है पता है? जैसे कि दुनिया में, जैसे कि आप लोगों को सबको घूमने का शौक होता है पर लोगों को अच्छा प्लेस नहीं पता, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा अच्छा प्लेस दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का कार्बियांगलोंग जो है ना बहुत ही सुंदर कार्बियांगलोंग है। तो मेरा आज का वीडियोज़ बनाने का मोटिव यही है कि हम लोग कार्बियांगलोंग को पूरा दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाओ। हम लोग कार्बियांगलोंग इतना ज़्यादा सुंदर है और इतना अच्छा अच्छा चीज़ है जो लोगों को नहीं पता, तो हम लोग एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोग जरूर विजिट करना उन सब जगहों को और देखते रहना वीडियोस, जहाँ पे जाने वाले बहुत मस्त जगह है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कार्बियांगलोंग, वेस्ट कार्बियांगलोंग जो आसाम का एक बहुत ही सुंदर डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ के बारे में जितना भी बोलूँ कम है यार। तो आप लोग बस मैं बता के नहीं, आप लोग को दिखा के बताना चाहता, दिखाना चाहता। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं होजाई बॉर्डर। अभी ये जो पुल दिख रहा है ये है होजाई एंड कार्बियांगलोंग बॉर्डर। तो जब हम लोग कार्बियांगलोंग घुस जाएंगे तो वहाँ का नज़ारा आप लोग देखिए और हर चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। तो जब आप लोग होजाई को छोड़ के जब वेस्ट कार्बियांगलोंग के अंदर आएंगे, ब्रिज क्रॉस करते ही आप लोग का वेलकम के लिए बहुत ही सुंदर पार्क यहाँ पे दिखेगा, जिस पार्क का नाम तुमप्रेंग पार्क है। आप लोग जरूर विजिट करना और मैं पहले यहाँ पे वीडियोस बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग जरूर देखना। मतलब लड़कियों को बाइक चलाने देने का फायदा क्या है बताए? अभी एक पुलिस अंकल रोक रहा था बताए, तो सिस्टर को देखा लड़की है तो जाओ 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 बोल दिया, बताए मजा आ गया। सब कमेंट करो, मेरा पापा को कमेंट देख रहे तो कि एलिस के लिए एक KTM बाइक खरीद के दो बोल के, आप लोग सब कमेंट करो ठीक है, बाइक चाहिए आप। इतना चालू है देख रहा है, कमेंट करने से ना पापा भी आप लोग का बात मान जाएगा। तो कमेंट पे बता देना, कमेंट पे ये लिखना एलिस का पापा या अंकल बोलना कि एलिस को एक बाइक दिला देने के लिए, उसको मोटो व्लॉगिंग करने का बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही बातें वातें करके हम लोग पहुँच गए वेस्ट कार्बियांगलोंग के अंदर और यहाँ का रास्ते का मज़ा भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं। यहाँ का जो ऑक्सीजन, मतलब जो नेचर है ना, कितना खूबसूरत है, चारों तरफ ग्रीनरी। और अभी आप लोगों को एक स्कूल दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि नहीं वो देखिए पर में, वो है स्कूल, एक स्कूल है जो चर्च भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कितना सुंदर है, पूरा पहाड़ के ऊपर में है। तो आप लोग यहाँ पे विजिट करना और यहाँ का बहुत बड़ा अच्छा अच्छा स्टोरी है जो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ जगह पे पहुँच के। स्कूल है ये देख सकते हो, ये है सोजोंग डोनबो स्कूल। तो यहाँ पे एक चर्च है और उन लोगों का स्कूल भी दिखने में कितना ज्यादा सुंदर है, तो ऊपर में जाके आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे जाना भी एक बहुत ही ज्यादा वो टास्क हो जाता है, मतलब देख सकते हो कितना ऊपर, ये चैलेंज है सिस्टर के लिए, एक चैलेंज है कि बाइक वो ऐसा रास्ते पे बाइक चला सकता है कि नहीं। देख सकते हो कितना हिल एरिया में भी वो बाइक चला लेता है अच्छे से। इसलिए कमेंट कर देना पापा को, पापा को नहीं इस वीडियो पे तो पापा देख लेगा। ओए बैग खुल गया है तुम्हारा, तो चलिए उधर से दिखाते हैं। तो
आप लोग देखो ना, अभी हम लोग कहाँ से आए, आप लोगों ने देखा ही एकदम हिल को मतलब चढ़ के आए हैं, और इतना नेचर के बीच में ये स्कूल बना हुआ है, और ये चर्च है शायद, ये तो चर्च है। और आप लोगों को इस बारे में मैं आगे से दिखाते चलो। आप ये मेरा प्यारा सा देखो, ये चर्च कितना सुंदर चर्च है, और इतना मतलब नेचर के बीच में बनाया हुआ है ना, मतलब यहाँ पे आके सुकून एक तो मिल गया। और यहाँ का मैं बात बताता हूँ, ये जो चर्च है ना, ओपनिंग के लिए मदर टेरेसा आया था यहाँ पे, तो एक कमेंट ठोक कीजिएगा, मदर टेरेसा हमारा कार्बियांगो में भी आया हुआ है, और इतना सुंदर जगह है। यहाँ पे पढ़ने वाले स्कूल के स्टूडेंट कितना ज्यादा लगती है कि इतना नेचर के बीच वो लोग मतलब स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो ज्यादा टाइम यहाँ पे लगाएंगे नहीं। अभी हमारा दोस्त कुछ दोस्त लोग वेट कर रहा है वहाँ पे, तो चलेंगे टोंका मुखम में, और दोस्तों कौन कौन जा रहा है हमारे साथ आप लोगों को दिखाते। तो अभी आप लोगों को सोचों का जो चर्च से वो भी दिखा दिया। अभी हम लोग निकल पड़े हैं दोंका मुकाम की ओर, क्योंकि वहाँ पे कुछ दोस्त लोग इंतज़ार कर रहा है हमारा, और हम लोग बहुत सुंदर जगह विजिट करने वाले हैं। और ये जो आगे में दिख रहा है, ये है एक स्टेडियम, इंडोर आउटडोर स्टेडियम है, बहुत ही सुंदर स्टेडियम है। अगर आप दोंका मुकाम से मेरा वीडियोज़ देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आप लोग बहुत ही लकी हो जो आप लोग कार्बी आंगलोंग से बिलोंग करते हैं, और कार्बी आंगलोंग बहुत ही सुंदर है। आई लव कार्बी आंगलोंग। आप लोग देख सकते हो हम लोग पहुंच गए दोंका मुकाम, और हम लोग का कार्बी आंगलोंग का भगवान है, तो आप लोग भी कहते हैं हम लोग, तो उसका स्टेचू भी लगा। कितना स्ट्रॉन्ग है वो, सच में मतलब सुपर हीरो थे हम लोग कार्बी में, इसको सुपर हीरो मानते और भगवान भी मानते। तो अभी हम लोग दोंका मुकाम पहुँच गए, ये देख सकते हो दोंका मुकाम, ये जगह, इस जगह के बारे में मतलब ये बहुत अच्छा जगह है, मतलब कार्बी आंगलोंग का एक टाउन प्लेस है, मतलब बहुत सुंदर जगह है। तो अभी कुछ दोस्त लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, पहले उन लोगों को फोन कर लेते हैं, तो निकलेंगे फिर दूसरा डेस्टिनेशन यहाँ से। तो चलिए अभी दोंका मुकाम से निकल के अभी आप लोगों को जन्नत पे लेके चलते हैं, एक इतना खूबसूरत जगह। और आप लोग मेरा वीडियो अभी देख रहे हो ना, आप लोग खुद सोचोगे उस जगह को देख के कि मैंने इतना टाइम लगाया है इस वीडियोस को देखने में, मेरा टाइम उसूल जरूर हो गया इतना सुंदर जगह देख के। और मैं लाइफ के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, ज़िंदगी ना एक किताब की तरह होता है, और जिसने ट्रेवल नहीं किया लाइफ पे, वो बस उस किताब का एक ही पन्ना पड़ा हुआ है। तो लाइफ पे ट्रेवल करो और अच्छे से जियो। तो चलिए चलते हैं, और पीछे देख सकते हो हमारा भाई है, जहाँ जो हम लोग को लेके जाने वाला है, जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, मतलब मेन जो सोच के हम लोग आए हैं जिस जगह पे जाने के लिए। तो हमारा भाई कौन है वो मैं आप लोगों को वहाँ पे जाके उनके इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं वहाँ पे जाके आप लोगों को बताऊंगा फिर। तो अभी भैया गाड़ी चला रहा है, मेरा हाथ पास पूरा दर्द हो गया था यार चला चला के, अभी वो चला रहा है। हाय मैं राइडर, और गाड़ी वाड़ी चलाते हुए देख के फायदा नहीं, आप लोगों को जिस जगह में लेके जाऊंगा ना, वो जगह देख के आप लोग जरूर सोचेंगे काश मैं जोश के साथ। तो हम लोग मंजिल के बहुत ही ज्यादा करीब है, और आई नो आप लोगों को वीडियोस देख के अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों से एक बात बताना चाहूंगा, किसी जगह के बारे में ना जिंदगी भर सुनने से अच्छा है एक बार उसे जाके देख लो आप लोग। कभी कभी मन करता है ना इन वादियों में खो जाओ, इन पहाड़ों में, इन नेचर में, यार इससे ज्यादा सुंदर और कोई चीज नहीं हो सकता इस दुनिया में। आप कभी कभी जैसे कि मैं एक मतलब आप लोग कहीं विजिट करना चाहते हो, लोग क्या करते हैं बताए, उसको थिंक कर लेते, मतलब इमेजिन करते। मैं बोल रहा हूँ अगर कहीं जाना चाहते हो ना, उसको इमेजिनेशन ना करके डायरेक्ट वहाँ पे जाके आप लोग विजिट करो, तब ज़्यादा मजा आएगा। इमेजिनेशन में क्या रखा है, डायरेक्ट जाओ आओ घूमो इन पहाड़ों में। आई लव कार्बी आंगलोंग, पूरा कार्बी आंगलोंग को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाएगा ये जोश तेरोन। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज।
सो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। तो अभी देख सकते हो रोड के बीच ही हम लोग गाड़ी पार्किंग मतलब बाइक पार्किंग करके अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग जिस एरिया पे है, अगर आप लोग इस जगह पे आना चाहते हो तो आप लोगों को कुछ के मतलब बोईठालांग से रोड पे टाइपी का रोड पे आ सकते हो। मतलब इस जगह का नाम टाइपी है और जिस वाटरफॉल में हम लोग आए हैं उसका नाम है लिन ओए कुपिला लिन 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 होंजर में टाइटल में तो वो लगा लूँगा, आप लोग देख लोगे। और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला था अपने भाई लोगों से, तो भाई अपना नाम मालोंग व्लॉग्स, तो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो मालोंग व्लॉग्स, हमारा भाई बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस बनाता है। तो इनका चैनल का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक भाई हमारे साथ आया हुआ है, तो भाई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यूट्यूब मैं लिंक डाल दूंगा दोनों भाई का, तो आप लोग दोनों भाई को भी सपोर्ट करना। और इन दोनों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेले होता तो मैं आ नहीं सकता, क्योंकि इस जगह के बारे में मुझे पता ही नहीं था, तो भाई लोगों ने मुझे बताया और हम आए हैं यहाँ पे। तो चलिए अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। एडवेंचर का शौक है ना, तो यहाँ पे वो लोग आ सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे जाना भी एक एडवेंचर। सुनाई दे रहा है? चुप चुप चुप, ये आवाज सुनाई दे रहा है कुछ? मेरे को यार बहुत पसंद है यार, पता है ऐसा क्या बोलता है पहाड़ के ऊपर के फील करना ऐसा। नहीं, एक सेकंड साइलेंट रहना, उस आवाज सुनाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ, पानी का आवाज। आप लोगों को अभी वाटरफॉल दिखने वाला है, तो चलिए वाटरफॉल की तरफ। नदी से या कहाँ से आ रहा है वो तो मुझे इतना जानकारी नहीं है, पर यहाँ पे पेड़ लगा के यहाँ से पानी निकल के आ रहा है तो मजा है। वैसे मुंह धोऊंगा नहीं, मेकअप खराब हो जाएगा। वैसे मेकअप किया नहीं है, वैसे मजा आ मेरा जितना भी दोस्त है ना, मैं सबको मेरा वीडियो जो भी देखता है मैं सबको इतना ही बात बोलना चाहूंगा, लाइफ में ना उड़ना है, अगर उड़ नहीं सकता है तो तोड़ना है, अगर तोड़ भी नहीं सकता है तो चलना है, बस रुकना नहीं है। तो हम चल रहे हैं अपने मंजिल की ओर, जिंदगी में कभी रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहे हमें तो आगे बढ़ना है। तो अपने दिल को थाम के बैठिए, क्योंकि अभी आप लोग ऐसा चीज देखने वाले हो जिस से आपको प्यार हो जाएगा। और वीडियोस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा कार भी हम लोग जो है बहुत सुंदर है, और प्लीज़ इतना मेहनत से वीडियोस बनाए, आप लोग एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे देना। तो अभी आप लोग देखने वाले हो जन्नत, तो थाम लो दिल को। कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे पहुँच के स्ट्रगल करके? तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत। कितने 4-5 साल के बाद पहली बार मैं आई हूँ वाटरफॉल में। बचपन में गई थी पर बहुत साल तक मैं कहीं गई नहीं गई। तो यहाँ का पूरा नजारा आप लोगों को दिखाते हैं। कर भी गई हूँ पर मजा आ रहा है, थकान तो महसूस ही नहीं हो रहा। बाईस थक पर आए, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 7 पे रिटायरमेंट, फिर मौत का इंतजार। तो मैं ऐसी घीची पीछी लाइफ थोड़ी ना जीना चाहता हूँ, मैं तो पूरा दुनिया देखना चाहता हूँ और आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। जिंदगी
और प्लीज कांजिया लोग में विजिट करना जरूर हमारा साथ। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब मैं इन सब जगहों में आता हूँ ना, मुझे खुशी के साथ बहुत ही ज़्यादा मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ। और मैं तो भाई अपने वीडियोस के जरिए लोगों को बस यही दिखाना चाहता हूँ और अपने कार्बियांगलोंग को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। लापे नितुम कार्बियांगलोंग के दो दोन मार तुम यहाँ ना रिक्वेस्ट हो आर लैंग पहले वीडियो सेमार था पो और भाई मालूम मैं भी पूरे हिंदी में वीडियो के सेमार मान अच्छा माँ हिंदी में इंजन लोग लोटे कट्टू का वे पुस्ता में अलाम मांग बुझी को अलांग बेस सुता में सब ता बुझी एप को लसी हिंदी में समय लसी अपु अलांग ली जोर से रंग रोक पंजी समय तुम कर दिया लोग रात दोहन सुता में सपोर्ट नंग को सब्सक्राइब नंग को लाइक शेयर कमेंट कीजिए नंग को कटूता भाई थैंक यू वाला पे नितु मालूम बहुत लोग अंता सपोर्ट पाल में तुम दोन मार भी तुम तो हिंदी पेन पाचेंग टू बजे क्योंकि हम लोगों को पूरा दुनिया को दिखाना है ना हम लोगों को कार्बियांगलोंग। तो भाई जितना भी दोस्त लोग देख रहा है बाहर से तो प्लीज़ आप लोग आके एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, देखिए कितना सुंदर जगह है और आप लोग पूरा टॉप में जा सकते हो। अभी हमें ऐसा फीलिंग हो रहा है कि हम लोग दुनिया का सबसे ऊपर में है, वी आर टॉप इन द वर्ल्ड। और हम लोग दुखी इस बात के लिए है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और हम लोग भी इस दुनिया से एक दिन चले जाएंगे ना, तो ये खूबसूरत वादियों को छोड़ के, तो यही सब सोच के बुरा लगता है। तो ये सब जरा सोचने का नहीं, आगे बढ़ने का है, एंजॉय करने का, ये तो हमारा जिंदगी का रूल है। जब पैदा होता है लोग तो मरना भी हमें पड़ेगा ही, तो इग्नोर करो, खुशियाँ मनाओ, घूमो, नाचो, फिरो और सब कुछ करो। तो वीडियोस को सो हम लोग यहाँ से अभी निकलने वाले, तो कुछ भैया लोग मिले तो वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। नाली हमें आपका नाम जानता नीले मैम अब्राहम दुरोंग, अब्राहम दुरोंग लादे नाली पे फेसोंग टेरोंग लाए टेरोंग टेरोंग। हम लोग भाई भाई का बॉडी देख सकते हो, एकदम हीरो है, लाइक लिबोंग सो लो जिम जिम ना बोल करा से एकदम रिगार्ड बोल। सो आप लोगों को वीडियोस देख के अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत सुंदर जगह है। अल्लाह सो आदि मामेन के थाने तक है ली होंजा टाइपी लोग सीधो को इस एरिया का नाम है टाइपी और इस वाटरफॉल का नाम है लिंग होंजा।